किसान भाइयों साथ किया जा रहा है। किसान भाई अगर अपनी आवाज उठाते तो मंदसौर से किसानों को गोलियों से मारा जा रहा है। किसान भाई अगर अपने अधिकार मांग रहे हैं तो उनको नंगा करके थानों में पीटा जा रहा है। किसान भाइयों के बिजली के बिल कनेक्शन नहीं है, उसके बाद चौगने चौगने बिल देकर उनको लूटने का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों को बिजली चोरी में थानों में बंद किया जा रहा है। कुड़की के नाम पे ट्रैक्टर बंद किए जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं। एक तरफ आप उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जो परेशान है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, कर्जे में फंसा है, उनको कर्जा वसूली करने के लिए उनको कुड़की की जा रही है। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश में गरीब मजदूर नौजवान को किसान को बेरोजगार किया है, आर्थिक तंगी में ला के खड़ा कर दिया है, इन सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हम 32 दिन लगातार किसान भाइयों के बीच में जा रहे हैं, कृषि उपज मंडियों में जा रहे हैं, जहाँ किसान भाइयों की फसलों चोरी हो रही है, दाम नहीं मिल रहे, परेशान है, उनकी मदद करने के लिए हम माननीय राहुल गांधी जी और हमारे नवनियुक्त विकास पुरुष आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं। उमरिया जिले में 2 क्विंटल बिकता था, सोयाबीन 5000 रुपए क्विंटल बिकता था, आपकी धानों की फसलें आपके धान आपकी 5000 रुपए क्विंटल बिकती थी, दलहन की फसलें आपकी 6000 से 16000 18000 रुपए बिकती थी। आज हालात ये है, चना 3000 से 4000 बिक रहा, सोयाबीन 1500 से 2000 बिक रहा है, धान 1500 से 1800 बिक रही है, दलहन की फसलें 1500 से 3000 बिक रही है। हमारे किसान को लूटा गया है। एक तरफ बिजली खाद महंगा जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, रसोई गैस महंगी है। जो नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना लाकर गरीबों को जो रसोई गैसों के कनेक्शन दिए, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे गरीब किसान मजदूर भाई जिनको आपने सिलेंडर दिए हैं, गैस कनेक्शन दिए हैं, क्या उनको जीवन भर आजीवन उनको मुफ्त में आप सिलेंडर भरवाएंगे? क्योंकि जब गरीबी है उसके पास कहाँ 850 रुपए जो आपका सिलेंडर भरवा लेगा। कई हम गरीब भाइयों के घर गए हैं जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैसें दिए गई है, अब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और लूटने का काम किया है। आपको मुफ्त में कनेक्शन देके अब 850 रुपए का आपको भरवाना पड़ेगा। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है कि किसानों को कोई लाभ मिले या उनको मुआवजे दिए जाए, तो अधिकारी प्रशासन मूक दर्शक होकर बैठा हुआ असहाय है और किसान इस समय परेशान है, भूखा प्यासा है। और जो हमारे किसानों ने आत्महत्या की थी उनके हम खेतों की मिट्टी भी आज कलश में ली है और संकल्प लिया है कि इनके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और निरंतर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। निश्चित तौर पर गरीब नौजवान मजदूर किसान को लाभ मिलेगा, पर इन 14.5 वर्षों में एक भी योजना का गरीब मजदूर नौजवान को किसान को फायदा नहीं मिला, बल्कि किसान भाइयों को नौजवानों को गरीबों को बेरोजगार इस सरकार ने